क्या लॉकडाउन ने बर्बाद कर दी अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब? जी हाँ, देखा जाए तो पिछले कई दिनों से अक्षय कुमार की ये मच अवेटेड फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है और इसकी एक ही वजह है कि फिल्म कब और कैसे रिलीज की जाएगी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, ये फिल्म उस नाव की तरह बन गई है जिसे किनारा ही नहीं मिल पा रहा हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन की वजह से अक्षय की ये फिल्म बर्बाद ना हो जाए। कभी इस फिल्म को लेकर ड्रॉप हो जाने की खबर सामने आती है तो कभी अक्षय और मेकर्स के बीच के विवाद की वजह से फिल्म की रिलीज पर संकट मंडराने लगता है। हाल ही में बॉलीवुड बबल ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को जाहिर किया था कि लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर अक्षय और फिल्म की प्रोड्यूसर शाबाना खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों के पॉलिटिकल व्यूज अलग होने की वजह से अक्षय ने फिल्म का प्रमोशन तक करने से साफ इनकार कर दिया है। खबरें तो यहाँ तक थी कि फ्यूचर में अब कभी अक्षय शाबिना के साथ काम नहीं करेंगे, जिसके बाद फिल्म को OTT पर रिलीज करने का भी फैसला लिया गया। खबरें आईं कि फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज कर सकते हैं। हालांकि अक्षय के कई फैंस इस डिसीजन से काफी खुश तो हुए, लेकिन कई फैंस निराश भी। वो नहीं चाहते कि उनके फेवरेट स्टार की इतनी बड़ी फिल्म इतनी आसानी से OTT पर रिलीज कर दी जाए। यहां तक कि ट्विटर पर डोंट रिलीज लक्ष्मी बॉम्ब ऑन OTT भी ट्रेंड करने लगा, जिसमें फैंस ने ट्वीट करके लक्ष्मी बॉम्ब को थिएटर्स में ही रिलीज करने की डिमांड रखी। देखिए फैंस के कुछ कमेंट्स को। अक्षय सर, प्लीज डोंट डू दिस। योर मूवी आर नॉट लेस देन अ फेस्टिवल टू अस। फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है हमें। डोंट रिलीज लक्ष्मी बॉम्ब ऑन OTT। सर, दिस योर ड्रीम प्रोजेक्ट एंड लीव योर फैन दिस मूवी सेट मूवी फॉर स्ट्रेट टू अस फैंस टू वॉच ओनली थिएटर। एक दूसरे फैन ने लिखा, I am big fan of Akshay Kumar. I request Tush Kapoor, Shabina and Akshay Kumar to do not release Lakshmi Bomb on OTT. आपको बता दें कि अक्षय के फैंस के साथ साथ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की भी यही मांग है कि इस फिल्म को मेकर्स OTT पर रिलीज ना करें। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूसर से अपील की है कि एक्सक्लूसिव थिएटरल विंडो का सम्मान करे। MIA ने अपने बयान में लिखा है, MIA सभी स्टूडियो पार्टनर, प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स से अपील करता है कि वो सिनेमा एग्जीबिशन सेक्टर को सपोर्ट करे। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो अपनी फिल्म की रिलीज को तब तक रोके जब तक सारे सिनेमा घर फिर से खुल नहीं जाते। यानी साफ है कि लोगों के साथ साथ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यही चाहता है कि फिल्म OTT पर भी रिलीज ना हो और लोग इसे थिएटर पर ही देखें। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये फिलहाल के लिए पॉसिबल तो नहीं है। साफ है कि अक्षय की फिल्म पर इस लॉकडाउन का ऐसा भारी असर हुआ है जिससे कि इस फिल्म को रिलीज का साफ साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो गई लक्ष्मी बॉम्ब? इन सभी बातों को मद्देनजर लेते हुए आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ये भी बताइए कि क्या इसे OTT पर ही रिलीज किया जाना चाहिए या फिर लॉकडाउन के बाद थिएटर पर।